गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम क्लास टेंथ की जो बायोलॉजी का लेसन है लाइफ प्रोसेस, इसका पार्ट एट, ठीक है, वो क्लियर हो चुका है। अब हम पार्ट नाइन में इस लेसन में जो भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस हमने लिया है आर्टरीज एंड वेंस के बारे में। देखो, आर्टरीज और वेंस के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि जब मैंने ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस किया था तो आर्टरीज और वेन के बारे में मैंने बताया था, लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज हैं इनके बारे में देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है कि कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। मतलब क्या है कि जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक ऐसी आर्टरी होती है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती, इसीलिए कहा गया है कि कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, कि बाकी सभी आर्टरीज जो होंगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होगी वो जस्ट अपोजिट वर्क करेगी। मतलब वो क्या करेगी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ओके, वेंस की तरफ देखते हैं क्या है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए, आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड और वेंस क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें क्या, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अब देखिए, जो पल्मोनरी वेन क्या है, पल्मोनरी वर्ड जुड़ने से क्या हो गया, आर्टरी और वेन का फंक्शन अलग अलग हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन क्या करती है, वो क्या करेगी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, कि जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो ऑलवेज ब्लड को क्या करती हैं, हार्ट से अवे, दूर ले जाती हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि होल बॉडी से जो ब्लड होता है वो कहाँ आता है, हार्ट में आता है, हमारे ह्यूमन हार्ट में आता है, होल बॉडी से। ठीक है, अब क्या होगा, जब उससे दूर जाएगा ब्लड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, कि जो आपकी आर्टरीज होंगी वो ब्लड को कैरी करेंगी, किससे, हार्ट से दूर ले जाने का फंक्शन करेंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं वेंस में। देखिए, वेंस क्या करती हैं, ब्रिंग ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। क्या है, ब्रिंग ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। अब जो वेंस हैं वो ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती हैं, टुवर्ड द हार्ट, हार्ट की ओर ले जाती हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट देखिए, द वॉल्स आर थिक एंड इलास्टिक, कि जो आर्टरीज की वाल्स क्या है, बताया गया कि थिक। देखिए, थिक और थिन में डिफरेंस है, थिन दुबला पतला, थिक मोटा होता है। ठीक है, कि जो वाल्स, वाल्स का मतलब देखिए, बाउंड्री वाल्स मत लीजिएगा। सपोज दैट घर में आपके कोई भी पाइप है, ठीक है, उसके अंदर आपको होल दिखाई पड़ेगा, तो होल दिखाई पड़ेगा, उसके चारों तरफ आपको एक लेयर होगी जो सराउंड कर रही होगी उस होल को, उसको बोलते हैं वाल्स। तो जो आपकी वाल्स होती हैं किसकी, आर्टरीज की, क्या मोटी होती हैं, और इलास्टिक का मतलब फ्लैक्सीबल होती हैं, मतलब कोलैप्स नहीं करती हैं। ओके, वेंस में क्या होता है कि जो वेंस की वाल होती हैं थिन, मतलब पतली होती हैं। तो आर्टरीज की वाल्स कैसी होती हैं, मोटी, है ना, और वेंस की वाल्स कैसी होती हैं, थिन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, वाल्स आर नॉट फाउंड, कि जो आर्टरीज होती हैं, वाल्स आर नॉट फाउंड, कि आर्टरीज में वाल्स नहीं होते हैं। ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरो, कि जो वाल्स जो होते हैं वो आर्टरीज में नहीं होते हैं, और जो ल्यूमेन होता है आर्टरी का वो नैरो होता है। अब देखिए, ल्यूमेन क्या है, आपको लग रहा होगा ल्यूमेन सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, मतलब क्या, सपोज दैट ये आर्टरी है, ओके, तो जो बीच में ये पार्ट है ना, ये ऐसे, अब देखिए ये मैंने बना दिया आर्टरी। अब आर्टरी की देखो वाल जो हो गई क्या, ये देखो बीच में पार्ट हो गया नैरो, ये पार्ट हो गया, यही, इसी को बोलते हैं ल्यूमेन। जो बीच में आपको नॉन कलर्ड पार्ट दिख रहा है इसको बोलेंगे ल्यूमेन। ठीक है, तो ये कैसा होता है, नैरो होता है, और इसकी वाल्स कैसी हो गई, थिक, ये हो गई आपकी आर्टरी। ऐसे अगर जो हम वेन को बनाए, सपोज दैट ये वेन हो जाएगी, है ना, तो इसकी वाल्स देख कैसी है, थिन, ये हो गई आपकी थिन वाल्स हो गई। ठीक है, तो ये थिक और थिन के बारे में चर्चा हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी इज नैरो, कि ल्यूमेन जो होता है आर्टरी का नैरो होता है, बहुत ही पतला होता है। वेंस में आ जाएंगे, वेंस में ल्यूमेन क्या होता है, वाइड, चौड़ा, मतलब क्या है, देखो इसमें नैरो है और ये वाइड, इसमें स्पेस ज़्यादा है, इसमें कम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड फ्लो रैपिडली अंडर ए हाई प्रेशर। अब देखो, जो आर्टरीज का फंक्शंस क्या होता है, मैंने बताया था कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उससे ब्लड दूर जाएगा, कौन ले जाएंगी, वेन,
ठीक है, तो इसमें 4 चैम्बर थे, है ना। तो जो लास्ट वाला जो चैम्बर था, इससे ब्लड होल बॉडी को हमारी सप्लाई होता है, और जब ब्लड पंप हार्ट हमारा जब ब्लड को पंप करता है, तो पंप करने से क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज होंगी उससे ब्लड गुजरेगा, वो अंडर ए हाई प्रेशर होगा। ठीक है, तो यही पॉइंट बताया गया, ब्लड फ्लो रैपिडली, बहुत तेजी के साथ, बहुत ही प्रेशर के साथ में ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वेन में ब्लड फ्लो स्लोली अंडर लो प्रेशर। और जो वेन्स होती हैं, आप देखिए यहाँ से एक होता है कि जैसे कोई मोटर है, मोटर से पाइप जुड़ी है, और जुड़ने के बाद मोटर सप्लाई करता है सीधे वाटर को, ठीक है, तो वो एक अंडर हाई प्रेशर जाता है, और वापस कहीं टंकी में पानी भरा हुआ है, और सप्लाई ऊपर से जब वापस आती है, अगर जो अपने घर की बात करें आप, तो सपोज दैट जैसे मोटर आपके घर में पाइप लगी होगी, मोटर जब क्या करता है, पाइप से पानी को सप्लाई करता, टंकी में पानी जाता, तो क्या वो एक हाई प्रेशर से जाता है, और टंकी में भरने के बाद में जब पानी वापस आपके घर के चैम्बर्स में या रूम्स में या किचन में जाता है, तो क्या होता है, वो सप्लाई तो वाटर की होती है, बट क्या प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं, क्या वो लो प्रेशर में होता है। सेम फंक्शन यहाँ पर क्या हमारा ह्यूमन हार्ट करता है। वैसे भी कहा था कि ह्यूमन हार्ट क्या करता है, ये एक पंप होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होता है, एक पंप होता है। 6 पॉइंट है आपका, आर्टरीज में सिचुएटेड डीप अवे फ्रॉम द स्किन। आप अपने हाथ की तरफ ध्यान से देखें, आपको जो ऊपर मोटी मोटी नसें दिखाई देंगी, तो ये क्या होती हैं, वेन्स होती, क्यों होगी, देखिए क्या लिखा है कि सिचुएटेड डीप अवे फ्रॉम द स्किन, ये हमारी स्किन है, डीप अवे का मतलब जो गहराई में होंगी वो हमको दिखाई नहीं पड़ेंगी, तो डीप में कौन होता है, मैंने बताया सिचुएटेड डीप अवे फ्रॉम द स्किन, मतलब स्किन से अवे, अंदर मतलब दूर गहराई में स्थित होती है, कौन सी, आर्टरीज, यानी कि आर्टरीज हमको हमको ऊपर दिखाई नहीं पड़ेंगी। अब हम वेन्स की बात करते हैं, वेन्स की, ठीक है, सिचुएटेड नियर द स्किन। अब ऊपर से देखें क्या होता है, हमको ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है मोटी मोटी नसें, है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, वो हमारी वेन्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका है पिंक और डार्क रेड कलर। अब देखो जो आपकी आर्टरीज होती हैं, या तो वो पिंक कलर की होती हैं या डार्क रेड कलर की, मतलब देखने में कैसी होंगी, रेड कलर की होंगी, ठीक है, पिंक और डार्क होंगी। अब अगर जो हम वेन्स के बारे में चर्चा करें, बात करें, तो डार्क ब्लू कलर। अब आपने फिर से हाथ की तरफ ध्यान दीजिए, जो नसें आपकी ऊपर दिखाई पड़ रही हैं, देखने में कैसी हैं आपकी, वो डार्क ब्लू कलर की, यानी कि मोस्टली जो इंजेक्शन ऊपर नस में लगाए जाते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, बोलिए किसमें लगते हैं, वे वेन्स में लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नॉन कोलैप्सिबल, जो आर्टरीज होती हैं नॉन कोलैप्सिबल। अब देखिए नॉन कोलैप्सिबल क्यों है, मैंने बताया कि ये आपकी वेन है, हो गई, और ये आपकी हो गई आर्टरी, ये हो गई आर्टरी, ठीक है, तो इसमें देखो क्या, इसका ल्यूमेन पतला है, इसका जो इसकी वाल्स हैं ये क्या हैं, थिक हैं, इसकी वाल थिन है, इसमें ल्यूमेन ब्रॉड है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको अगर जब फोल्ड करेंगे, वाल थिन है इसकी, है ना, तो वो फोल्ड हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, ठीक है, लेकिन जिसमें जिसका ल्यूमेन नैरो हो और वाल ठीक है, तो वो कोलैप्स नहीं होंगी। अब देखो कोलैप्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पाइप लो और इजिली से बेंड करो उसको, आसानी से आप बेंड करते हैं उसको, फोल्ड करते हैं, तो कुछ पाइप ऐसी होंगी कि यू बिल्कुल फोल्ड हो जाएंगी, और सप्लाई ऑफ वाटर या सप्लाई ऑफ एयर या सप्लाई ऑफ ब्लड उसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जो कोलैप्सिबल नहीं होंगी, आप उसको जब बेंड करेंगे तो क्या होगा, वो बेंड तो हो जाएंगी, बट बीच का जो एरिया है वो उस टाइप से बेंड नहीं होगा कि जिससे सप्लाई हमारी ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो ये मेन डिफरेंसेस थे किसमें, आर्टरीज और वेन्स में। थैंक यू।